हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए खान सर की केजीएस आईएएस के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ताकतवर टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओएआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम 2024 के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज जो शुद्ध रूप से साथियों इंडियन पॉलिटी के टेस्ट सीरीज पर आधारित है। क्योंकि इस समय हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और बीच बीच में हम लोग करेंट अफेयर्स के भी देख लेते हैं, तो इसमें जो आपको सवाल मिलेंगे, हालांकि इसका मैं पहला पार्ट करवा चुका हूं, ये दूसरा पार्ट करवाने जा रहा हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आरओ एआरओ की प्लेलिस्ट में जाकर इसका पहला पार्ट जरूर देखिएगा। पहला पार्ट में हम लोग लगभग 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे साथियों, और बाकी के जो 75 क्वेश्चन है मैंने बोला था ये मैं आपको पार्ट टू में करवाऊंगा। तो पार्ट टू में आज के इस सेशन में हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 75 से 150 तक के जितने भी प्रश्न हैं इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नेंस से, इन सबको हम देखेंगे। बहुत ही ताकतवर टेस्ट सीरीज है साथियों। शुद्ध रूप से ये कैसे बनाई गई है इसका तो मालूम होगा, ये जो चीजें करंट अफेयर में थी, जो चीजें चर्चा में थी, समसामयिक घटनाओं में थी, तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं से जोड़कर सारे के सारे ये पॉलिटी के प्रश्न बनाए गए। क्योंकि इस साल चुनाव हुआ है साथियों, और चुनाव के दौरान बहुत सी सारी चीजें खबरों में थी, तो आपका पॉलिटी का वेटेज बहुत ज्यादा होने वाला है। पॉलिटी और करंट अफेयर्स इसको कतई न छोड़िएगा, इसका वेटेज ज्यादा रहेगा इस साल। तो साथियों बहुत ही ताकतवर टेस्ट सीरीज है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से सारे संबंधित सवाल है इसमें, तो शुद्ध रूप से जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो साथियों चले हम लोग आप लोग के लिए साथियों ये हम लोग देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो साथियों हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 74 तक कर लिए थे, 75 में क्या है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किस एक्ट को कहा जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि मैग्ना कार्टा, और ये जो कहा जा रहा है मैग्ना कार्टा लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। तो साथियों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये साथियों, जो पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता। यही जो है एक प्रस्ताव लेकर आया था 1882 में, तो इसी प्रस्ताव को जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये हो गया, और अगर हम लोग आगे देखें अपना ये अगला वाले में, तो ये इसका तो आंसर आपका सी हो गया। अगला अगर हम लोग देखें ये 76 में, तो 76 में ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं एलिजा इम्पे इसके प्रथम जो है सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश थे, और ये क्यों बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट इसको भी मालूम है। ये नाम तो था हाँ बंगाल बिहार उड़ीसा की, ये जो क्षेत्र है इसके जनता की सुनवाई के लिए, लेकिन शुद्ध रूप से ये कंपनी के नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई थी, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा एलिजा इम्पे। और अगर हम लोग 77 वाला देखें, तो 77 में आपसे पूछ रहा है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में जो आया था, तो इसके लिए अधिनियमित किया गया था, यानी क्यों आया था, इसके क्या प्रावधान थे। तो आप लोग मालूम है इससे पहले आपको 35वां जानना पड़ेगा। तो 35वां संविधान संशोधन जो आया था साथियों, इसी के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था। इसके बाद जो 36वां संविधान संशोधन आया 1975 में, इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो विकल्प नंबर ए आपका हो जाएगा, यही सही है कि संघ का पूर्ण राज्य का बनाना। आगे अगर हम लोग देखें 78 में, तो 78 में कह रहे हैं कि राज्यों की सीमाओं की पुनः जांच और पुनर्गठन के लिए नियुक्ति 3 सदस्य वाली राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में शामिल था। तो साथियों इनके थोड़ा कहने का इनका टेढ़ा मेढ़ा तरीका है, इनके कहने का मतलब यही है, तो जो उस समय भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी आजादी के बाद, तो उस समय जब आंदोलन चल रहा था कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर नया राज्य बनाने की, तो उसी संबंधित है ये। तो सीमाओं की जांच, राज्यों की सीमाओं की पुनः जांच और पुनर्गठन के लिए नियुक्ति, जो 3 सदस्य वाली समिति बनी थी साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनी थी, तो उसमें कौन कौन लोग से शामिल थे, तो आप लोग मालूम थे साथियों फजल अली आयोग बना था, तो फजल अली आयोग उसके अध्यक्ष थे,
इनके साथ दो सदस्य और थे, पड़िक्कर और कुंजरू। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे रख लीजिए, एफ टी के। तो यही थे इसमें तीन सदस्यों वाली समिति, यही थी। क्यों बनाई गई थी? कि राज्यों के सीमाओं की जांच और पुनर्गठन के लिए। आगे देखें तो अगला हमारा जो 79 वाला जो सवाल है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है साथियों, बताना है। बहुत लाजवाब, बहुत ही अच्छा प्रश्न। संवैधानिक संशोधन विधेयक, इससे संबंधित दो कथन दे दिया, दोनों कथनों को पढ़ाकर बता देना कि हमारा कौन सा कथन हमारा सही है। तो आप लोग जानते हैं संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास जाता है अगर वो विधेयक, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, उसे देना होता है। तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति दे देनी होगी। यस, ये बात सही है, वह वापस जो है संविधान संशोधन और धन विधेयक के मामले में वापस नहीं कर सकता पुनर्विचार के लिए, तो ये बात सही है। और इसमें भी बात सही है कि इसमें कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, ऐसा नहीं राज्यसभा में विरोध हो गया। संयुक्त बैठक कब होता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा में विरोध हो जाता है, जो प्रस्ताव पारित नहीं होता है, तो दोनों को एक साथ बैठा कर लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं, तो मामला बन जाता है। तो फिलहाल ये धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, तो विकल्प नंबर दो भी सही है। संयुक्त जो बैठक होती है वो अनुच्छेद 108 के तहत होती है, इसको याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 80 में क्या कहा जा रहा है, 80 में साथियों कहा जा रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में शुरुआती शब्द हम भारत के लोग, भारत की संविधान आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें शुरुआती शब्द रहता है हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग होता है वो क्या दर्शाता है? तो साथियों वही भारतीय राष्ट्र की संप्रभुता दर्शाता है, तो विकल्प नंबर ये सी हो गया, यही वाला। आगे देखें हम लोग 81 में, तो 81 में साथियों क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है? तो साथियों आपको शॉर्टकट में बता दे कौन सा कथन सही है। तो यहां कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके निर्णय की तारीख से पहले के उनके द्वारा किए गए सभी कार्य अमान्य यानी इनवैलिड हो जाते हैं। नहीं साथियों, ऐसा कैसे हो जाएगा, उसने जितना काम किया सब इनवैलिड हो जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बाद जिस दिन उसे घोषित हुआ उसके बाद वाले सारे जो उसके प्रस्ताव है वो इनलीगल होते हैं, ऐसा नहीं जो काम किया वो सारे अब उसके इनलीगल हो गए, उसे बुलडोजर चलवा दो, ऐसा नहीं है। तो ये बात गलत हो गई। यहाँ पर जो लिखा है बी एम राव संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, तो साथियों मुख्य प्रारूपकार थे तो वो बनर्जी करके नाम था, और जो बी एम राव थे वो संविधान के सलाहकार थे, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर तो ये तो गलत ही है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान समय सीमा निर्धारित की जाती है, तो उन्हीं के अंदर अपनी सहमति देना होता है। ऐसा नहीं साथियों जब कोई विधेयक पारित होगा तो राष्ट्रपति को कहा जाता है कि नहीं तुम्हें इतने ही अंदर इतने समय के अंदर तुम्हें अपनी सहमति देनी होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये भी गलत हो गया। डी वाला सही है, संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है जो अपनाया गया था वो हाथी का अपनाया गया था, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका। अगर हम 82 देखें तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा प्रश्न, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, एक जो है अपने बी आर अम्बेडकर साहब थे, तो बी आर अम्बेडकर साहब थे एक, और 6 इनके साथ और थे, तो इसमें जो 6 थे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। इसमें कह रहा है कौन सा प्रारूप समिति के अध्यक्ष में सदस्यों में शामिल नहीं था, तो सरदार पटेल साहब नहीं थे, ये बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष थे। इसके साथ 6 सदस्य और थे इनके, गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और जो 3 और थे इनके, तो यही यानी आप लोग याद रखिएगा सरदार पटेल नहीं थे उसमें। आगे देखें हम लोग 83 में, तो 83 वाले में क्या आपसे पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं? तो भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं, उसके लिए आपको 5 कथन दिए गए हैं, 5 कथनों को पढ़कर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो सीधा सीधा आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि उच्च सदन का विघटन, साथियों उच्च सदन का मतलब राज्यसभा, याद रखिए उच्च सदन का मतलब राज्यसभा और निम्न सदन का मतलब लोकसभा जो चुने जाते हैं।
तो उच्च सदन का विघटन अपने यहाँ नहीं होता है संसदीय प्रणाली में, यानी राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, वो एक तिहाई सदस्यों का 2 साल में रिटायरमेंट होता है। उच्च सदन यानी राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, तो याद रखना इसका मतलब जिसमें पांचवा रहेगा वो गलत हो जाएगा, इसमें पांचवा है ये गलत हो गया। और नाम मात्र का बहुमत होता है ये सही है, अपने यहाँ बहुमत दल का शासन होता है ये भी सही है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी होती है ये भी सही है, विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता होती है भी सही है। तो विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सही है, पांचवा गलत है, एलिमिनेशन से भी आप कर सकते थे। आगे देखें 84 में, तो 84 में साथियों एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, बहुत ही गजब का। आप लोग जानते हैं हमारे संविधान के भाग 14 में, किसमें 10 हो गया ये 14 में, भाग 14 में हमें दिया है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं दिया है, यानी लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग दिया है वो अनुच्छेद 315 से 315 से 323 तक दिया है साथी, 315 से 323 तक दिया है। वही पूछ रहा है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, शक्ति, कार्य स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसी में केंद्र भी है और राज्य भी है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 315 से 323 के मध्य सारे दिए गए हैं, इन्हीं में ये सारे प्रावधान हैं। आगे देखें 85 में, तो साथियों यहाँ पर 85 में क्या हमें दे दिया है, भारतीय भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है। आपको इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में आपको तीन कथन दिया है, तीनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो कह रहे हैं कि इसमें अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान था, यह साथियों प्रावधान था लेकिन राजो रजवाड़ों की वजह से यह अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन था तो था। इसमें केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, साथियों सरासर गलत, आपकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं खान सर, ये देखिए क्यों, क्योंकि साथियों आपको बहकाना चाह रहे हैं कि बच्चे बहक जाए और सवाल को गलत कर दे। तो द्वैध शासन साथियों 1935 के एक्ट में द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था, तो यहाँ उल्टा दे दिया इसलिए यह गलत हो गया। केंद्र में जो है द्वैध शासन जो है केंद्र में लागू हुआ था प्रांतों वालों को समाप्त करके, तो ये गलत हो गया, यानी दो जिसमें होगा वो गलत हो गया, ये गलत ये गलत। और ये इसने 58 में भारत सरकार अधिनियम 1900 स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, यानी 1 और 3 आपका सही है। आगे देखें, आगे साथियों क्या हमारा पूछ रहा है, कौन सा संवैधानिक संशोधन केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना जो है प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है साथियों जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है ये राजस्व यानी रेवेन्यू ट्रांसफर का एक वैकल्पिक योजना प्रदान करता है, यही हमें बताना है साथियों। तो साथियों ये 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ था, 80वां संविधान संशोधन सन 2000 में जो हुआ था यही जो है 10वें वित्त आयोग की मतलब एक तरह का सुझाव भी था कि राजस्व का जो बंटवारा होता है वो केंद्र राज्यों के मध्य हो, उनका ट्रांसफर हो केंद्र राज्यों के मध्य। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर, 80वां संविधान संशोधन 2000 में। और हम लोग यहाँ 77 अगर देखें तो 77 में आपको क्या करें, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 1919 एक्ट के तहत, तो साथियों जानते हैं इसमें जो है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था, यस पहली बार इसमें द्वि सदन आया था, यानी जो है प्रांतों में द्वैध शासन इसमें शुरू किया गया था, जो 35 में प्रांतों को खत्म करके केंद्र में लगाया गया था, अभी मैंने बताया इसके बारे में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया था जो कि 1909 में आया था और 1919 में इसका विस्तार किया गया। तो 87 में साथियों जो आपका उत्तर होना चाहिए वो डी हो जाना चाहिए, 3 के 3 सही है 1919 के एक्ट के तहत। आगे देखें, अगर हम लोग देखें 88 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत शासन अधिनियम 1909, लो आ गया 1909, हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे 1909, जिसमें जो है मार्लिमिंटो अधिनियम कहा जाता है, इसमें जिसमें मुसलमानों के लिए खासकर जो है अलग से प्रतिनिधित्व प्रणाली लाई गई थी, चुनाव निर्वाचन, यानी मुसलमान को अब मुसलमान ही वोट देंगे केवल। तो
1919 के एक्ट के तहत तीन कथन है, तीनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। इसने विधान परिषदों का आकार काफी बड़ा हो गया था, यस विधान परिषद का आकार थोड़ा बड़ा हो गया था इसमें। इसने विधान परिषदों के विचार विमर्श को बढ़ावा दिया, यस सही बात है। हिंदू के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली लाई, साथियों कितना झूठ बोल रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए लाई थी, हिंदू के लिए नहीं आया था। तो तीसरा गलत हो गया, जहां तीन है गलत हो जाएंगे, ये गलत, तो आपका उत्तर केवल बी होगा। 88 का उत्तर यहाँ पर केवल बी हो जाना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो 89 में साथियों क्या पूछा जा रहा है, राज्य मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्य मंत्रियों के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सही है साथियों, इसमें बताना है। राज्यों में किसी मंत्री को कानूनी जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरा कह रहे हैं, न्यायालयों में मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की प्रकृति की जांच के लिए रोक दिया गया है। तो यस यहाँ पर साथियों जो दोनों के दोनों बातें हैं हमारी, ये दोनों के दोनों बातें सही है हमारा 89 के संदर्भ में, क्योंकि राज्यों के मंत्री कानूनी जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, और न्यायालयों में मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई जो जानकारी उसकी जांच से रोक दिया गया है। तो ये दोनों बातें सही हैं, विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे अगर हम लोग देखें 90 का, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल सदस्यों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। तो ये राज्यों के संदर्भ पूछ रहा है, जो विधायक होते हैं उसके संदर्भ में उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, सही उत्तर देना है। तो उन्हें राज्य विधानमंडल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यस वो अपना भाषण जो चाहे दे दे, अभिव्यक्ति की उनकी स्वतंत्रता है, उस पर जांच नहीं होगी। तो ये है, उन्हें जूरी सेवा से छूट दी गई है, यस ये भी सही है। अपनी रिपोर्ट बहस और कार्रवाई प्रकाशित करने का अधिकार है। तो यस साथियों यहाँ पर तीन के तीनों विकल्प सही है आपके, इसका मतलब तीन के तीनों कथन सही है, तो आपका विकल्प डी हो जाएगा 1, 2, 3। आगे चले हम लोग 91 वाला अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों जानते हैं, ये 1993 के एक्ट से 1993 में किया गया था, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में हमें दो कथन दिया गया है। इन्हीं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा उत्तर सही है, तो कौन सा सही है बताना है। तो इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत किया, यस प्रतिनिधि संस्था की शुरुआत का ये दौर था 1861। तो ये बात हमारी यहाँ पर सही है, तो पहला तो सही हो गया। इसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की, यस विकेंद्री पर जब भारतीयों को जो शामिल करना शुरू किया, यानी एक तरह से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ही थी ना, तो विकल्प नंबर सी अपना सही हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा, तो धीरे धीरे शक्तियों का बंटवारा तो स्टार्ट हुआ तो 93 में। तो वित्त आयोग के संदर्भ में साथियों, आपको वित्त आयोग के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है। कैसा उत्तर? सही उत्तर, कभी कभी आपसे गलत उत्तर भी मांग लेगा। तो आप लोग जानते हैं वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य का राय, साथियों गलत, 4 सदस्य, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो ये बात आपकी एक तो गलत हो गई। वित्त आयोग को सदस्यों को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, साथियों वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको जरूरी है कि वो सार्वजनिक मामलों की उसके जानकारी रहे, और जो अन्य इसके 4 सदस्य होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनमें कोई अलग अलग जो है, मतलब कोई बैंकिंग के क्षेत्र में ज्यादा जानता हो, कोई न्याय के क्षेत्र में, तो इनमें भी ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक मामलों में इनके चारों जरूरी नहीं है सदस्यों में। तो इसका मतलब सी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत हो गए हैं। आगे देखें हम लोग, क्योंकि किसी को अकाउंटिंग में विशेषता होनी चाहिए, किसी को थोड़ा न्याय में, किसी को बैंकिंग में, ये सब में थोड़ा विशेषता होना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें 94 वाले में, केंद्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला आप जब पढ़ेंगे तो 245 केंद्र राज्य संबंध आप लोग जानते हैं साथियों, हमारे भाग 11 में जो है हमारा केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है।
आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 245 से 263 के मध्य सारे दिए गए हैं, 245 से 263 के बीच जो है भारत, मतलब ये राज्य संबंध संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं उससे संबंधित है। तो ये हो गया, तो यही कह रहा है कि जो 45 से 63 तक दिया गया है, और यहाँ पर साथियों ये आपसे कह रहे हैं कि 45 से 55 तक संघ और राज्यों के विधायी शक्ति, तो दो शक्तियों के मध्य इनकी विधायी और प्रशासनिक, तो 245 से 255 तक जो शक्तियों का है ये विधायी शक्ति की बात कर रहा है, यह सही है, और 255 से लेकर साथियों 263 तक ये जो है प्रशासनिक शक्ति है। तो ये भी यहाँ पर दे दिया है, दोनों बातें सही हो गई, ये भी सही है, ये भी सही है, और 268 से 293 के मध्य राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का अनुच्छेद है, ये मामला है। तो यस, ये बात तो सही है, ये वित्त वाला मामला इसी में है, 64 से ये तो 64 से 93 है साथियों, यहाँ पर ये नहीं है। तो आपका जो 94 का उत्तर होना चाहिए, जो 94 का, वो केवल 1 और 2 होना चाहिए हमारे हिसाब से, 1, 2, 3। यहाँ 68 से 93 की मध्य विधायी राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है, तो ये क्या है, यहाँ 68 और 293 के मध्य केंद्र राज्यों के मध्य विधायी वित्तीय संबंधों से संबंधित है, तो ये सही है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, 94 का डी हो जाएगा हमारा। तो आगे चले हम लोग, देखते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 95 इसमें वस्तु या जीएसटी परिषद से आपका जीएसटी काउंसिल से संबंधित आपके प्रश्न है, तो जीएसटी काउंसिल से संबंधित दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा यहाँ पर सत्य है। तो पहला आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की स्थापना संविधान के कह रहे हैं अनुच्छेद 289 के ए के द्वारा हुआ है, साथियों ये बात गलत है, यहाँ पर ये चीज आपकी गलत हो गई, 289 के तहत नहीं हुआ है साथियों, आपका जो 279 ए के तहत हुआ है, ये 279 ए के तहत हुआ है, तो ये बात तो आपकी यहाँ पर गलत हो गई। तो और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है नहीं साथियों, ये वित्त मंत्री होता है, ये भी गलत हो गया। तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो कह रहा है सही कौन होगा, तो न तो एक होगा न तो बी, आपका सी हो जाएगा। तो 96 में अगर हम लोग देखें तो इसमें दिया है कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र की अवधारणा, जो संविधान में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की कंसेप्ट दिया गया है उससे संबंधित सवाल है और कौन सा सही है, तो इसको पकड़कर हमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक लोकतांत्रिक राजनीति लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण है, जनमत संग्रह, ये जो परिपृच्छा, पहल, वापस बुलाना और जनमत संग्रह, तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई है 96 में दोनों के दोनों सही है हमारी, तो ए हो जाएगा हमारा, ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये जनमत संग्रह का मतलब सभी लोगों को इकट्ठा कर लो और उनसे पूछो कि आप किधर हैं, तो यही होता है, जैसे जूनागढ़ जब वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तो वहां जनमत संग्रह हुआ, तो जनता सारी जो है वो भारत के पक्ष में बताई, तो उसी तरह से। तो 97 में किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो साथियों बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसी में ये चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार ने सारे व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए, तो विकल्प नंबर ए हो गया। और इसी में एक और महत्वपूर्ण बात पूछी जाती है, जो ईसाई धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ वो इसी एक्ट के तहत हुआ, और आगे चलकर जो 33 इसके 20 साल बाद जो ये 1833 का चार्टर एक्ट आया इसके तहत क्या किया गया कि जो चाय और चीन के साथ व्यापार था उसको भी खत्म कर दिया, यानी कंपनी का पूरा व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया सरकार ने। तो फिलहाल आपसे चाय और चीन को छोड़कर पूछा था तो ए वाला लगाएंगे, और ईसाई मिशनरियों वाला पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी ईसाई का प्रचार करने आए, तो इसी के तहत आए 13 वाले में। आगे देखें 98 में हमसे जो पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा हमारा कथन सही है, उस पर विचार करें, सही कथन पूछ रहा है,
यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी आपसे गलत भी पूछ लेगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमें मालूम है साथियों, मूल संविधान में हमारे नहीं था, इसको संविधान के तहत ये संविधान संशोधन के माध्यम से ये आर्टिकल 51A में इसको जोड़ा गया है, भाग 4A में। तो इसी के तहत इसको जोड़ा गया है, जब जोड़ा गया था तो 10 था, बाद में 11वां जोड़ दिया गया कि हर माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 साल से 14 साल तक के शिक्षा को अवश्य दिलाए। ये तो मान लीजिए एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया। फिलहाल अभी प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दो कथन है, दो कथनों को पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूर्ववर्ती USSR यानी जो है रूस जो था, जो आज का जो रूस है, तो इसको हम लोग पहले जो है USSR बोलते थे। तो मतलब उसका जैसे कई सारे उसके राज्य अलग हो गए ना, तो पहले इसे वही USSR बोला जाता था, बाद में रूस बोला जाने लगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं रूस से लिया गया था। तो ये हो गया। और सरदार पूर्ण सिंह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग उपाध्याय शामिल करने की सिफारिश किया। तो यस, यहाँ पर दोनों के दोनों प्रश्न हमारे, यहाँ पर जो जो कथन है दोनों के दोनों सही है। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित ये दोनों कथन सत्य है। अगर हम लोग अगला देखें 99 में, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि विचार करिए और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 4 आपके केसेस दिए गए हैं, इन केसों को पढ़कर बताना है हाँ हमारा कौन सा ये जो ऑप्शन में सेट तैयार हो रहा है। तो 99 में साथियों देख रहे हैं हम लोग, ये जो बेरुबारी यूनियन केस वाला मामला था ये 1960 में आया था, सॉरी 1960 में। अब इसको कौन भूल सकता है, केशवानंद को 1973 में ये आया था। सबका मोटा मोटा डेट आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका कर पाएंगे। और जो LIC ऑफ इंडिया केस आया था ये 95 में आया था, कब आया था ये, तो LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में आया था। और बाकी आपका एक ये मिनरवा मिल्स वाला जो केस था तो ये 80 में आया था, 1980 में। तो इस हिसाब से हमारा सेट कौन सा बन रहा है, तो देखेंगे सबसे पहले कौन हुआ, तो यही बेरुबारी वाला मामला हो गया, यानी ये एक नंबर पे रहना चाहिए। तो ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो लगता है इस प्रश्न में कहीं फॉल्ट है, क्योंकि इसी को यही सबसे पहले 1960 में हुआ था, तो इसी को सबसे पहले रहना चाहिए, क्योंकि कालक्रम में पूछा है, तो ये तो कुछ गलती लग रही है इसमें। केशवानंद भारती मामला 1973, तो ये है, सॉरी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ आपके सामने है, ये बी वाला यहाँ पर है ऑप्शन में, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, 4 फिर 3, यही है सत्य है, बी हो गया। तो 100 वाले में हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1892 का जो एक्ट था उसके संदर्भ में आपको 4 बातें लिखी गई हैं, उनमें से कौन सा सही है। तो आप लोग जानते हैं 1892 वाले में हमें बजट पर जो है बहस करने पर छूट दिया गया, लेकिन उस पर सवाल नहीं पूछ सकते, ये प्रावधान आया था। तो यहाँ कह रहा है बजट पर वोट देने का अधिकार, जी बिल्कुल गलत। परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत, बिल्कुल गलत। संविधान में परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, तो बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, ये बात सच है, लेकिन सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो फिलहाल सवाल जितना पूछा है उसके हिसाब से हमारा यही बन रहा है सी वाला। तो हम लोग 101 अगर देखते हैं, तो 101 में सरकार की संसदीय प्रणाली के भारतीय मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तो भारत के संसदीय मॉडल के संदर्भ में कौन सा हमारा कथन सत्य नहीं है, इसे बताना है। तो साथियों यह कह रहा है कि शैडो कैबिनेट भारतीय कैबिनेट की एक अनूठी संस्था है। तो साथियों ये बिल्कुल गलत कह रहा है, पहले ही गलत हमें मिल गया, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ ही रहे हैं। तो सॉरी यहां पर कुछ फॉल्ट है। तो 101 में क्या पूछा जा रहा है, भारत की संसदीय प्रणाली के भारतीय मॉडल के संदर्भ में, यानी भारतीय अपना भारत ने जो संसदीय प्रणाली जिस मॉडल को अपनाया है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां जो पहला लिखा है शेडो कैबिनेट भारतीय कैबिनेट प्रणाली की एक अनूठी यानी एक स्पेशल संस्था है, तो साथियों ये बात गलत है। यूनाइटेड किंगडम हो गया या अन्य जो यूरोपीय देश हो गए वहां पर ये शेडो कैबिनेट चलता है,
अपने भारत में शैडो कैबिनेट की कोई व्यवस्था नहीं है। ये शैडो कैबिनेट आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, तो जिस तरह से हमारे जो जिसकी सरकार बनती है वो लोग एक मंत्रिमंडल गठन करते हैं, कुछ स्पेशल मंत्रियों का गठन करते हैं, उसे नाम देते हैं कैबिनेट मंत्री। तो उसी कैबिनेट की तरह विपक्ष वाले भी अपना एक मंत्रालय बनाते हैं, मतलब एक तरह का कैबिनेट मंत्रालय बनाते हैं, एक तरह शेडो का मतलब परछाई होता है, तो उसी के पैरेलल अपना बनाते हैं और उन्हीं के कार्यों पर निगरानी रखते हैं कि हाँ कौन सा क्या किसका काम क्या है, वो उन पर निगरानी रखेगा, यानी उसकी परछाई, जैसे हमारी परछाई हम लोगों के हमेशा साथ चलती है, तो बिल्कुल उसी तरह से वो शेडो कैबिनेट बनाते हैं विपक्ष वाले, और सत्ता पक्ष वाले के नजर रखाए रखते हैं ये लोग कुछ गड़बड़ी ना करें। तो फिलहाल ये सही होता है तो यही गलत है, ये अपने भारत में नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें 102 वाले में, तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में रिट, रिट के संबंधित आप लोग जानते हैं बहुत ही गजब प्रश्न है जो है रिट। तो रिट 5 प्रकार की रिट होती है, जो 5 प्रकार की रिट होती है आप लोग जानते हैं, पहला जो होती है बंदी पृथक्करण होता है, और दूसरा होता है साथियों ये जो पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और दूसरा जो होता है ये इसमें एक यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार के होते हैं ये जो रिट जारी होते हैं, और रिट का जो एक दायरा होता है वो हाई कोर्ट का ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से। आप लोग सोच रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट का कैसे ज्यादा हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार से संबंधित मामले को देखता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों को भी देखता है। तो जो है ये 5 प्रकार के होते हैं रिट। तो यहाँ पर जो पहला यहाँ दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वहां जारी किया जाता है जहां हिरासत अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो ये गलत है, जहां अंदर होता है, ये बाहर नहीं अंदर की बात होनी चाहिए, तो ये गलत हो गई। अब परमादेश, तो आप लोग जानते हैं ये 5 होता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और तीसरा प्रतिषेध, और चौथा उत्प्रेषण हो गया, पांचवा जो है अधिकार परीक्षा हो गया। ये 5 प्रकार के रिट होती हैं। तो यहाँ जो ये दूसरा लिखा है परमादेश, किसी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, यानी कह सकते हैं केवल ये सरकारी व्यक्ति के लिए जारी होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं किया है उसके लिए, तो ये बात सही है दूसरी। और उत्प्रेषण निवारक और उपचारात्मक दोनों होते हैं, तो ये बात सही है, तो ये तीसरा भी सही है। तो 102 का जो हमारा उत्तर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, वो यहाँ पर बी हो जाना चाहिए, 2 और 3 यही सही है। और आगे अगर हम लोग देखते हैं किस अनुच्छेद के बिना भारतीय संविधान निरर्थक होगा, तो साथियों जिसे अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा बोला था, तो ये अनुच्छेद 20, ये बी विकल्प नंबर, ये अनुच्छेद 32। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो